हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल ड्राइंग में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम टाइप्स ऑफ नट का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ड्रॉ ए कैस्टल नट ऑफ डाया 20 mm। फ्रेंड्स, क्वेश्चन हमें दिया गया है कि जो कैस्टल नट है उसका डायमीटर 20 mm लेना है। तो यहाँ देखिए, यहाँ कैस्टल नट का टॉप व्यू को दिखाया गया है और ये फ्रंट व्यू है, और अकॉर्डिंग टू डायमीटर सभी जो रेशियो होता है उसका थिकनेस होगा, स्लोट होगा, वो सभी यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे 0.8D, इसका जो थिकनेस है 1.25D, इसका मतलब है 0.125D इंटू डी, इट मीन्स कि 20 mm। तो हम क्या करेंगे, 1.25D गुना 20 से करके कैलकुलेशन करके इसका वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ हमने जो भी यहाँ पे रेशियो दिया है सभी रेशियो को हमने यहाँ पे कैलकुलेशन करके निकाल लिया है फाइंड आउट करके। तो इस तरह से आपको रफ में सभी को कैलकुलेशन करके निकाल लेना होगा, और निकालने के बाद इसके बाद हम ड्रॉ करेंगे कि इसे किस प्रकार ड्रॉ किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें सेट स्क्वायर की सहायता से शीट के किनारे को रेफरेंस लेकर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। इस तरह से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। और इस वर्टिकल लाइन के ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन को रेफरेंस लेते हुए हम यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके बाद कंपास की सहायता से 20 mm रेडियस लेकर इस तरह से मेजरमेंट ले लेंगे। इसके बाद इस सेंटर पॉइंट में रखकर 20 mm व्यास का सर्किल हमें ड्रॉ करना है। इस तरह से हमने 20 mm सर्किल वाला 20 mm रेडियस का सर्किल ड्रॉ करेंगे, जिसका डायमीटर 40 mm होगा। इसके बाद हमें इसका इंटरनल जो होगा, इंटरनल डायमीटर, उसे अकॉर्डिंग टू डायग्राम 10 mm रेडियस लेकर सेंटर से 10 mm रेडियस में सर्किल ड्रॉ करेंगे, जो इसका इंटरनल डायमीटर होगा। इसके बाद यहाँ देखिए डायग्राम में नीचे फ्रंट व्यू दिया हुआ है, तो हम यहाँ से अप्रोक्स 30 mm स्पेस लेंगे। स्पेस लेकर उस पॉइंट से हमें नीचे की ओर, देखिए इसका हाइट दिया हुआ है यहाँ पे 1.25D, इट मीन से 1.25D, तो 1.25D हमने यहाँ फाइंड आउट किया था, 1.25D 25 mm। तो हम जहाँ से 30 लिए हैं उस पॉइंट से 25 mm पॉइंट लेंगे नीचे की ओर, और इसके बाद हॉरिजॉन्टल लाइन को रेफरेंस लेकर, ये हमने हॉरिजॉन्टल लाइन खींचा था, इस लाइन को रेफरेंस लेकर नीचे की ओर जहाँ हमने 25 mm लिया है वहाँ से पॉइंट खींचेंगे। इसके बाद जो इसका सर्किल का जो दोनों एक्सटर्नल पार्ट है
बॉटम और टॉप उसमें हॉरिजॉन्टल के पैरेलल ही लाइन खींचेंगे। और इसके बाद जो एक्सटर्नल डायमीटर है, सर्किल है एक्सटर्नल, उसके एक्सटर्नल सर्किल के बाहर में 60 डिग्री में हेक्सागोन टेंजेंट खींचेंगे, जिसके द्वारा हमें एक बाहर में हेक्सागोन प्राप्त होगा। तो इस तरीका से आप हेक्सागोन बना लीजिएगा। इसके बाद 60 डिग्री इधर से 60 डिग्री लेते हुए ऊपर का टेंजेंट को ड्रॉ करेंगे। इसके बाद ये 60 डिग्री ड्रॉ करेंगे। तो इस तरह से हमें जो इसका बाहर में हेक्सागन हमें दिया गया था वो हमें प्राप्त होगा। यह देखिए एक डायग्राम में इसके बाहर में हेक्सागन शेप था जो हमने यहाँ पे बना लिया है। इसके बाद इस वर्टिकल लाइन के रेफरेंस से जो हेक्सागन का लास्ट कॉर्नर है उस कॉर्नर से ऊपर तरफ लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक वैसे यहाँ भी करेंगे लाइन ड्रॉ। और इसके बाद जो इंटरनल सर्किल है उस इंटरनल सर्किल के द्वारा जो डायमीटर है उसके बराबर दोनों तरफ नीचे से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके बाद यहाँ देखिए आपको दिया हुआ है 1.2D। इसका मतलब है कि हमने इसको फाइंड आउट किया था 1.2D 24 mm। तो यहाँ से जो ऊपर का 25 पॉइंट हमने लिया था यहाँ 0.8D 16 mm, मतलब यहाँ से हमें 16 mm पॉइंट लेना है। और 16 mm के बाद नीचे की ओर 24 mm में पॉइंट लेंगे। और 24 mm में कंपास को रखकर जो हमने यहाँ से लिया है 1.2D 24 mm यहाँ से रेडियस लेकर इसे मिला लेंगे, आर्क ले लेंगे। इसके बाद जो ये मेजरमेंट होगा इसे आप मेजर कर लीजिए, ये आपका 14 mm है। तो हम यहाँ से भी 14 mm पॉइंट ले लेंगे, 14 mm। और इसके बाद इस पॉइंट में भी 14 mm में पॉइंट ले लेंगे। इसके बाद हॉरिजॉन्टल लाइन के पैरेलल ही जो हमने 16 mm पॉइंट लिया था उस 16 mm पॉइंट से हॉरिजॉन्टल के पैरेलल यहाँ से लाइट लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके बाद इस पॉइंट से फ्रिंज कर्व के द्वारा
ये देखिए इस तरह से आपको ड्रॉ करना है दोनों तरफ। इसके बाद यहाँ देखिए यहाँ से आपका है 0.4D 8 mm, ऊपर की ओर हमें पॉइंट लेना होगा 8 mm, और 0.125D 0.125D 2.5 mm, यानी हमारा हो जाएगा 8 और 0.25D। यहाँ से पूरा ही हमारा 8 है और 0.25D यानी 10 10.5। यहाँ से पॉइंट लेंगे ऊपर की ओर 10.5, यहाँ से भी 10.5। इसके बाद हमें इस पॉइंट से 2.5 लेफ्ट साइड एंड 2.5 राइट साइड पॉइंट लेंगे, ठीक वैसे ऊपर ऊपर तरफ 2.5 लेफ्ट में और 2.5 राइट में। फिर इसके बाद इसे हम दोनों पॉइंट को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद ये जो हमारा साइड होगा ये 24 का है, तो इसे 12 में पॉइंट लेकर 12 में पॉइंट लेकर 2.5 एंड 2.5 पॉइंट लेंगे। फिर इधर भी पॉइंट लेकर 2.5 अगेन 2.5 और इसे ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद इस साइड में 24 तो 12 में हाफ पॉइंट लेकर 2.5 एंड 2.5, ठीक वैसे ही इस पॉइंट को भी 12 में पॉइंट लेकर 2.5 एंड 2.5। इसके बाद इस तरह से दोनों लाइन को मिलाते हुए इसके बाद इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद यहाँ नीचे आप फ्री हैंड ही कर्व बना लीजिए, क्योंकि यहाँ पे डायमीटर नहीं दिया है, इसलिए हाथ की सहायता से ही आप कर्व बना लीजिएगा। नीचे से 2 mm स्पेस छोड़कर और इसके बाद
इस सही भाग को मिला लेना है। इसके बाद 25 mm रेडियस लेकर इसके बाद 45 डिग्री के एंगल में हमें इस पॉइंट से इसे ड्रॉ कर लेना है। इधर से भी और इसके बाद सभी पॉइंट को एक ही पॉइंट में यहाँ से मिला लेना है। इसके बाद नीचे का जो फ्रंट व्यू है उसे हम डार्क कर लेंगे। इसके बाद ये चूंकि सर्किल है तो इसे सेंटर लाइन से हम दिखा देंगे। इसके बाद जिस प्रकार डायमेंशन सब दिखाया हुआ है आपको सभी डायमेंशन को मेंशन कर देना है। तो आशा करता हूँ फ्रेंड सभी को कैस्टल नट ड्रॉ करने के लिए आ गया होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।